सलमान खान की गणेश पूजा से घबराने वाले लोग कौन हैं? क्या सलमान की आस्था पर सवाल उठाना जायज है? इस वीडियो में आपको बताएंगे सलमान पर नई कंट्रोवर्सी की डिटेल। सलमान खान ने गणपति बप्पा की पूजा की और पूरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, मगर पसलियों की चोट से जूझने वाले सलमान के चेहरे पर छाई ये खुशी कुछ लोगों को हजम नहीं हुई, इसीलिए उनकी आस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। किसी ने सलमान के मुसलमान होने पर तंज कसा तो किसी ने ये कह दिया कि नमाज नहीं पढ़ते लेकिन पूजा करते हैं। हालांकि सलमान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने अपनी फैमिली फंक्शन के बाद गणेश जी की पूजा अनंत अंबानी के घर पर भी की। सलमान ने अनंत अंबानी से मुलाकात की और वहां मीडिया के सामने पोज दिए। जिस जगह सलमान ने फोटो खिंचवाई उसके पीछे लिखे मंत्र पढ़कर कुछ लोगों की भावनाएं फिर आहत हो गईं। सलमान खान मुस्लिम होकर हिंदू मंत्रों को कैसे सही मान सकते हैं? ट्रोल गैंग ने कहकर उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया। इस तरह के मामले सामने आने के बाद ये भी पूछा जा रहा है कि क्या भगवान गणेश की पूजा से मुसलमान होने या न होने पर फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि सलमान पर सवाल उठाने वाले ये नहीं जानते कि वो हिंदू धर्म को जितना सम्मान देते हैं मुस्लिम धर्म में पैदा होने पर उन्हें उससे ज्यादा गर्व है। इन तस्वीरों के जरिए जीजा आयुष शर्मा ने बताया था कि अरबी लिपि में इन आयतों की कैलीग्राफी सलमान खान ने की। नमाज के अलग अलग पोस्टर भी उन्होंने दिखाए जो कि सलमान खान ने बनाई, और ये तस्वीर भी बताती है कि सलमान भले ही दिखावा न करें लेकिन नमाज पढ़ने वालों में शामिल हैं। सलमान खान कभी किसी पर सवाल नहीं उठाते, खासकर किसी के धर्म या मजहब पर कभी उन्होंने टीका टिप्पणी नहीं की। इस बात की गवाही उनकी फैमिली से मिलती है जहां हिंदू भी उनके परिवार के सदस्य हैं। सलमान ने अपनी बहनों की शादी हिंदू फैमिली में की है और उनकी मां सलमा खान खुद हिंदू हैं। सलमान मानते हैं कि उनके लिए देश पहले है और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। माय मदर इज हिंदू, माय फादर इज मुस्लिम, ओके, मैं अपने आप को इंसान बुलाता हूं। सलमान खान के फैंस करोड़ों की तादाद में हैं, जिनमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। वो किसी से मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं करते। अगर ऐसा होता तो फिर ईद के दिन केवल मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग ही उनके घर के बाहर इकट्ठा होते, लेकिन इस दिन सलमान खान के हर वर्ग और हर उम्र के चाहने वाले उनका दीदार करने पहुंचते हैं और सलमान भी किसी को निराश नहीं करते। सलमान इसीलिए बजरंगी भाईजान में पवन का करैक्टर करते हैं और वहाँ बुरका पहन लेते हैं। सलमान खुद मानते हैं कि वो किसी की सोच नहीं बदल सकते। दोस्तों, आपके हिसाब से सलमान को ट्रोल करने वाले लोग सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं या फिर सलमान को ट्रोल करना इनकी आदत बन चुकी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।